तरहसी प्रखंड के अंतर्गत उदयपुरा दो पंचायत के उदयपुरा दो ग्राम में झारखंड सरकार के द्वारा दिए जा रहे राशन में धांधली और गड़बड़ी हो रही है। आपको बताते चले कि उदयपुरा दो गांव के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार उदय सिंह के द्वारा राशन में कटौती की जा रही है। झारखंड सरकार ने प्रति यूनिट पर 5 किलो राशन का प्रावधान किया है, लेकिन जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के द्वारा मनमानी कर कार्डधारियों को 4 किलो से लेकर 4.5 किलो तक राशन दिया जा रहा है। वही कार्डधारियों का कहना है कि जो लोग डीलर के करीब हैं उन्हें प्रति यूनिट पूरे 5 किलो राशन दिया जाता है, लेकिन वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि हम सभी को 4 किलो से 4.5 किलो ही राशन डीलर के द्वारा दिया जा रहा है। कार्डधारियों के द्वारा पूरे 5 किलो राशन मांग करने पर जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के द्वारा धमकी से भरी खरी खोटी भी सुनाई जाती है। यहां तक नहीं बल्कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि इतना ही मिलेगा वरना राशन के नाम हटा दिए जाएंगे। वहां के सभी कार्डधारियों ने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि इसकी जांच पड़ताल की जाए और हम सभी कार्डधारियों को उचित राशन देने का कार्य किया जाए। अगर राशन के लिए पैसा मांगता है वो सारा सर गलत है। जिस तरह की ये दादी है उदयपुरा टू पंचायत की ये दादी है, और क्या नाम पड़े बोले दादी आप? मनोगा कुंवर। इनका जो है कि डीलर जो है इनका उदय सिंह है, और डीलर के द्वारा इनसे राशन कार्ड बनवाने के लिए 2000 की पैसों की मांग करती है। ये गरीब है, इनका जो है कि पति हस्बैंड भी नहीं है, और ये 2000 गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो है कि यहाँ के डीलर की तरह इस तरह से जो है हमारा, अब कहीं हमारा झारखंड सरकार भी हमारे साथ गलत कर रहा है। आखिर इस तरह से डीलर को क्यों रखा है, निलंबित क्यों नहीं कर रहा है, क्या यही चाहते हैं ना आप लोग? निलंबित होता यही ठीक है। आइए अब यहाँ पे कुछ हमारे भाई यहाँ पे उपस्थित है, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम श्यामदेव शर्मा। श्यामदेव शर्मा, आपका घर उदयपुरा। उदयपुरा, आप ये बताइए कि आपको राशन कितना मिलता है? हमको तो 5 किलो मिलता है। अच्छा, 5 किलो मिलता है, लेकिन बाकी यहाँ के लोगों का कहना है कि 4.5 किलो मिलता है, तो आपको 5 किलो कैसे मिलता है? डर से देवे या जैसे देवे, मतलब जैसे देवे, लेकिन आपको 5 किलो दे देता मिलता है। चलिए बहुत अच्छा बात है। आपको कितना मिलता है भैया? 4.5 किलो मिलता है। आपको भी 4.5 किलो मिलता है, तो इनको 5 किलो मिलता है तो आप नहीं मांगते, उनको 5 किलो कहे देते हैं भाई? उनको कैसे देते हैं? वो कैसे 5 किलो उनको देते? देखिए यहाँ पे डीलर के, देखिए बहुत तरह से एक अन्याय है। यहाँ पे डीलर के द्वारा 5 किलो किसी आदमी को 5 किलो दे दिया रहा है, जो उनके अंडर में है, जो उनका चमचा है, चाहे जो भी है, वो मतलब क्या है ना कि उनको 5 किलो दे दिया जा रहा है, बाकी यहाँ के गरीब को 4.5 किलो ही दिया जा रहा है। ये भैया का यहाँ कहना है। और आज हमारे बीच इस ग्राम के उदयपुरा टू पंचायत के भाई मुखिया प्रत्याशी, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सुजीत भुइया जी उपस्थित है। आइए इस मैटर में डीलर के बारे में बातचीत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा सुनील भैया नाम है। क्या आप यहाँ के इस उदयपुरा टू पंचायत के भाई मुखिया प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी भी हैं और फिलहाल अभी हम विधायक प्रतिनिधि भी हैं। अच्छा, विधायक प्रतिनिधि भी हैं इस क्षेत्र के। तो आप बताइए कि ये जो समस्या है डीलर का लेकर के 4.5 किलो जो है करके इन लोगों का राशन दे रहा है, जबकि झारखंड सरकार 5 किलो राशन देती है, तो हम लोग एमओ से भी बात करते हैं तो बोलते हैं कि 5 किलो मिलना चाहिए गरीब को, तो फिर ये क्यों मतलब 4.5 किलो क्यों दिया जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप? सर इसमें हमारी उदयपुरा की नहीं बल्कि पूरे विधानसभा के, पूरे झारखंड की भी बता सकते हैं कि सरकार हर यूनिट पर 5 केजी के हिसाब से तय करती है और देती है, लेकिन डीलर लोग इसमें कोताही करते हैं या फिर अपना दबदबा समझते हैं और आधा केजी, 1 केजी, कहीं कहीं 4 केजी भी मिलता है, कहीं 4.5 केजी मिलता है, 5 केजी मिनिमम मिलता है। कुछ कुछ लोगों को जो अर्ज गए हैं, जो समझते हैं बात को कि हमारा हक है, हम अपना हक को लेकर ही रहेंगे, तो वैसे लोग 5 केजी ले लेते हैं, बाकी लोग ऐसे नहीं ले पा रहे हैं। 90% डीलर को क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऐसे डीलर को सर झारखंड सरकार को क्या करना चाहिए? झारखंड सरकार को करना चाहिए, या अगर सरकार की विधिवत संचालित नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे स्थिति में उनको निलंबित किया जा सकता है। आप हमें बताइए कि इस उदयपुरा टू पंचायत के जो उदय सिंह के ऊपर जो सीधा निशाना लोग यहाँ पे बना रहा है, यहाँ के जनता कह रहा है कि मतलब कि 4.5 किलो हमको दिया जा रहा है, तो उदय सिंह जो डीलर है उन पर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? उदय सिंह को चाहिए कि 5 केजी दे, और जनता, हम सबसे पहले डीलर के साथ साथ जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि अपना हक को निश्चित रूप से मांगे और अड़ कर ले। और जहाँ तक डीलर की बात है तो डीलर को हम फिलहाल क्या कर सकते हैं, तो सरकार देखिए, हम ये कहेंगे कि डीलर को, कोई भी डीलर हो हमारे झारखंड के अंदर में, कोई भी डीलर हो, उनको 5 केजी दिया जा रहा है गरीबों को राशन देने के लिए, कार्डधारियों को राशन देने के लिए, तो आपको है कि 5 किलो देना है। आप अगर 5 किलो नहीं दे रहे हैं, 4.5 किलो या 4 किलो दे रहे हैं,
तो ये बहुत ही अन्याय है, गरीबों के साथ आप जो है कि अन्याय कर रहे हैं, हक मार रहे हैं, अपना दबदबा बना रही है, बिल्कुल सरासर गलत है। और ऐसे उच्च अधिकारियों से मैं मांग करता हूं, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इसमें से बिल्कुल गलत है, उच्च अधिकारियों को इस पर जो है कि जांच करना चाहिए। और एक और भी यहाँ पे भैया है, इनसे भी बात करते हैं कि समस्या को लेकर के। भैया आपका घर कहाँ है? उदयपुर। अच्छा, नाम क्या है भैया आपका? पवन सिंह नाम है। पवन सिंह इनका नाम है। आप बताइए कि आपको राशन मिलता है? मिलता है। कितना मिलता है भैया? 4.5 kg। क्यों, आप 5 kg नहीं मांगते हैं? जब सब जनता को 4.5 kg देते हैं तो डीलर बोल रहे हैं आप नवाब है यहाँ का। अच्छा, इनको बोलते हैं अपना हक मांगते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अन्याय किया जा रहा है यहाँ के डीलरों के द्वारा, और ये बिल्कुल गलत है। देखिए, ये जब अपना हक मांगते हैं तो इनको बोला जाता है कि आप नवाब हैं, जब हम सबको 4.5 kg दे रहे हैं तो आपको 5 kg क्यों दे, ये अगला हक मांग रहा है। फिर ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं झारखंड सरकार को इसके लिए जो है कि उच्च अधिकारियों को भेज करके और इसमें जो है कि जांच करवाना होगा। और आपको क्या बताते हैं भैया? आधार कार्ड जोड़वाने जाते हैं तो 500-500 रुपया एक आधार कार्ड जोड़ने के हम दिए हैं। बताइए, ये आदमी कह रहे हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? पवन सिंह। पवन सिंह, उदयपुरा का ये घर है इनका, ये कह रहे हैं कि जब मैं आधार कार्ड जब जोड़वाने जा रहा था उनको तो हमसे 500 रुपया लिए हैं और 500 रुपये ये दिए भी हैं। क्या ऐसा सही है? बिल्कुल। आप दिए हैं? दिए हैं 500। बताइए आखिर क्यों? कहीं ना कहीं इसमें हमारा झारखंड सरकार का भी गलती है और उच्च अधिकारियों का भी गलती है, जबकि यहाँ पे 5 kg राशन दिया जा रहा है, जब सारी सरकारी योजना फ्री काम किया जाता है, आखिर इनसे 500 रुपया क्यों लिया गया आधार कार्ड जोड़ने के लिए? सरकार इस पर कुछ न कुछ करे। R9 भारत से संवाददाता सीताराम सोनी की रिपोर्ट।